झंडा ऊंचा रहे हमारा। बचपन में 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय त्योहारों पर खूब तिरंगा झंडा फहराया होगा, लेकिन इस बार जबकि हम आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, तो केंद्र सरकार इस जश्न को हर घर से जोड़ने जा रही है। इसके लिए स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने का फैसला किया गया है। क्या है तिरंगा अभियान और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं विस्तार से। दरअसल देश में पिछले एक साल से आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाया जा रहा है, जिसे हम आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। स्कूल, कॉलेज और गांव की पंचायत से लेकर तमाम कंपनियां, सरकारी कार्यालय और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावास में अलग अलग तरह से जश्न मनाया जा रहा है। ऐसे में अब इस जश्न में आम आदमी भी शामिल हो सकेंगे। इसके लिए 15 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया जाएगा। इस बारे में संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सभी प्रयासों की देखरेख करने वाले गृह मंत्री ने हमारे ध्वज को और सम्मानित करने के लिए हर घर तिरंगा के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। यह हर जगह भारतीयों को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करने की परिकल्पना करता है। मंत्रालय का मानना है कि भारतीय ध्वज पूरे राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। अभी तक भारतीय ध्वज के साथ हमारा संबंध हमेशा व्यक्तिगत से अधिक फॉर्मल और इंस्टीट्यूशनल यानी संस्थागत रहा है, लेकिन स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में एक राष्ट्र के रूप में ध्वज को अगर सभी अपने अपने घर पर लगाएंगे तो न केवल तिरंगे से व्यक्तिगत संबंध का प्रतीक बनेगा, बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बनेगा। इससे लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगेगी और अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को और बढ़ावा मिलेगा। इसलिए 11 से 17 अगस्त तक सभी नागरिकों को स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि एक समय तक भारतीय तिरंगे को कब, कहां, कैसे उपयोग करना है, प्रदर्शन और फहराना है आदि को लेकर भारत का राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 प्रभावी है। हालांकि भारतीय ध्वज संहिता 2002 के कुछ बिंदुओं को 30 दिसंबर 2021 को एक आदेश द्वारा संशोधित किया गया था, जिसके तहत राष्ट्रीय झंडा हथकरघा से या हाथ से बुने हुए या मशीन से बने सूती, पॉलिएस्टर, ऊन, रेशमी, खादी से बनाया जा सकता है। इससे पहले हथकरघा से या हाथ से बुने हुए खादी के कपड़े से ही बनाने की अनुमति थी। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए PBNS।